जय हिंद इनकलाब जिंदाबाद। आई एम GGKWH गौरव एंड वेलकम माई यूट्यूब चैनल। अभी सुबह सुबह का समय है और अभी हम रेडी हो गए हैं बुआ घर जाने के लिए। और अभी हम, मेरी माँ और मेरी चाची तीनों जाएंगे बड़ी बुआ छोटी बुआ का घर। और उसके बाद कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, सब कुछ हम आप लोग इस वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए अभी हम मेरे पापा का मोटरसाइकिल निकालते हैं बाहर और मेरी माँ अभी रेडी हो रही है, रेडी होने दीजिए फिर जाएंगे बुआ घर। हम चाची और माँ तीनों रेडी हो गए हैं और निकल गए हैं, अब जा रहे हैं। और यहाँ पर मामा जी आए हुए थे मेरे, तो मामा जी भी मामा घर अपना जा रहे हैं। हेलो, अभी हम आ चुके हैं हम लोग का गांव का नियरेस्ट मार्केट में। और अभी हम और मेरी माँ दोनों हैं फ्रूट दुकान में, बुआ घर जा रहे थे कुछ फ्रूट ले लेते हैं, इसीलिए फ्रूट दुकान में आए हुए हैं। चूज़ कर रही है माँ अभी कौन सा फ्रूट लेगी, लेने दीजिए तो चलेंगे बुआ घर। कौन गलत है, ठीक। बुआ घर आ गए हैं और मेरे बाबा का मोटरसाइकिल बाहर में छांव में खड़ा कर चुके हैं और माँ और चाची अंदर घुस गई है बुआ घर। और अब चलते हैं हम भी, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, और भी कहीं जाना है। हाँ, बुआ घर में माँ और चाची रह गई और अभी हम और भी कहीं जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे, सब कुछ अब हम लोग इस वीडियो में दिखाएंगे। सुंदरी SPTI आए थे इंटरव्यू देने के लिए और मेरा इंटरव्यू हो चुका है। और भी कैंडिडेट है जो कि अभी इंटरव्यू दे ही रहे हैं और मेरा इंटरव्यू होने के बाद बोले कि आपको कॉल किया जाएगा। तो अब देखते हैं सिलेक्शन हो रहा कि नहीं। तो अभी मतलब इंटरव्यू देकर तो अच्छा लगा कि होने का चांस है। और अभी इंटरव्यू दिए हुए हैं, पेपर अभी जाएंगे रांची के लिए। ऑलरेडी रांची का ऑफिस है, हेड ऑफिस, और ये एक ब्रांच है, तो यहाँ पर अभी इंटरव्यू दिए। और जो इंटरव्यू देने आए हुए हैं कैंडिडेट, वो तो अभी इंटरव्यू दे रहे हैं। तो सिलेक्शन तो लास्ट में होगा, कौन चूज़ हो रहा, किसका नसीब में है ये जॉब। अभी 10 वैकेंसी खाली है यहाँ पर, तो 10 वैकेंसी में मेरा नसीब में है कि नहीं वैकेंसी में जॉइनिंग, यहाँ का जॉब करना, ये तो वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा ही। और अभी आए हुए हैं यहाँ पर 200 से 250 कैंडिडेट इंटरव्यू देने के लिए, और अंदर में अलाउड नहीं है, इसीलिए हम एंटर का वीडियो हम बनाए नहीं। और अभी हम मेरे बाबा का मोटरसाइकिल निकाल चुके हैं और चलते हैं, कहाँ क्या करेंगे सब कुछ हम आप लोग इस वीडियो में दिखाएंगे। STPI सिंदरी में जब हम इंटरव्यू देने आए थे तब सोचे थे कि STPI सिंदरी का वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन STPI सिंदरी का कैंपस से बाहर जब निकले तो सोचे कि एक छोटा सा वीडियो बना ही देते हैं, क्योंकि एक यादगार रह जाएगा कि आज के दिन हम STPI सिंदरी में इंटरव्यू देने आए थे। और ये रहा STPI सिंदरी का कैंपस के अंदर ऑफिस का बिल्डिंग, बहुत ही शानदार बिल्डिंग है, अगर हमको मिल जाए जॉब तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सिंदरी आए हुए हैं तो हम सोचे कि मौसा मौसी से भी भेंट मुलाकात कर लेते हैं। और यहाँ पर पेड़ के छाँव में मेरे बाबा का मोटरसाइकिल भी रख दिए हैं ताकि धूप में गर्म ना हो जाए। चलिए अभी मौसा और मौसी से भेंट मुलाकात कर लेते हैं, फिर जाएंगे अपना मंजिल की ओर। अभी बैठे हुए हैं मौसा जी के घर में, मौसा जी नहीं है, कहीं गए हुए हैं काम से, और अभी मौसी जी से बातचीत कर रहे हैं, बातचीत कर लेते हैं मौसी जी से, उसके बाद चलेंगे अपना मंजिल। फिर मौसी घर से बुआ घर जा ही रहे थे तो सोचे सिंदरी आए हुए हैं तो मेरे बाबा का मामी माँ से मिल लेते हैं, क्योंकि एज भी बहुत हो चुकी है, बूढ़ी भी हो चुकी है, मेरी नानी है और एक नानी है, तो नानी से मिल लेते हैं, क्योंकि सिंदरी जब आए हुए हैं नानी से ना मिले तो अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए अभी सिंदरी में आए हुए हैं तो नानी से मिल लेते हैं, आप लोग को भी परिचय करवाए हैं पहले भी नानी जी से वीडियो के माध्यम से, और एक बार आज भी परिचय करवाएंगे आप लोगों को इस वीडियो में। मेरे बाबा का मामा घर में बैठकर नानी जी से मस्त मगन हम बातचीत कर रहे हैं, और मेरे नानी जी बहुत मस्त ठंडा का उपाय लगा है, बहुत मस्त जुगाड़ लगाया हुआ है ठंडा रहने के लिए। देखिए ये तो घर है और घर के बाद ये पलंग है, पलंग के नीचे सोए हुए हैं आराम से नानी जी, और आराम से सो कर ठंडा महसूस कर रही, क्योंकि एडवेस्टर का घर है और एडवेस्टर का घर तो ऐसे ही गर्मी रहता है, ऐसे ही ढलाई वाला ही घर गर्मी रहता है, तो एडवेस्टर है। तो उसके बाद ये पलंग हो गया, फिर पलंग के नीचे है, बहुत ही ठंडा महसूस कर रही है नानी। हम पूछे
कितना नीचे क्यों सोए हुए हैं, तो बड़ा ठंडा लग रहा है। ये है देसी जुगाड़ ठंडा होने का। चलिए अभी नानी जी से हम बातचीत कर लेते हैं अच्छा से। बहुत दिन बाद भेंट हो रहा है नानी जी से, और मुलाकात करने के लिए आए भी हैं नानी जी से, और चाचा चाची से भी मुलाकात हो गया, भाई बहन से भी मुलाकात हो गया है, सभी से बातचीत हो गया। तो यहाँ देखिए भाई नहा धो के एकदम फ्रेश से बैठे हुए हैं, और नानी जी भी सोई हुई है, एडवेस्टर का घर के नीचे सोई हुई है। इधर तो ढलाई वाला घर ही है, लेकिन एडवेस्टर के नीचे सोई हुई, बोले कि जहाँ जा रहे गर्मी लग रहा है तो कहीं सोने से मतलब है, तो इसीलिए यहीं पर सोकर आराम कर रही है ठंडा ठंडा में, क्योंकि अंदर भी ठंडा है लेकिन वही जैसे यहाँ पर टेम्परेचर है वहीं घर के अंदर में भी वही टेम्परेचर है, इसीलिए बड़े वहाँ से यहीं पर सोए हुए हैं, इसीलिए आराम से सोई हुई है। चलिए भाई बातचीत हो गया है नानी जी से, सबसे बातचीत हो गया है, और अब घर के जाते हैं, मतलब बुआ घर के जाते हैं। बड़े फूफा जी और छोटे फूफा जी का घर हम आ गए हैं। घर के अंदर इतना गर्मी है, अभी हम और चाची पेड़ के छांव के नीचे अभी हम लोग हवा खा रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। और यहाँ देखिए भाभी जी हम लोग के लिए रोटी बना रही है, क्योंकि हम लोग आज चावल नहीं खा पाएंगे, इसीलिए रोटी बनाने के लिए आटा गूंद रही है। अच्छा से बना रहे हैं ना भाभी? अब भौजी तानी देखो इधर, पूरा मस्त मगन बनाए थे, ये बना दीजिए। और वहाँ भैया लोग बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए, चलिए खान दीजिए। और हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर आराम फरमाते हैं, माँ अंदर में ही सो गई है, आराम से कोई टेंशन नहीं है माँ का। भीतर ड्री क्या सही आ ना कि हैं सामने रूम पे सही आ। लंच करने के बाद हम लोग एक साथ बैठकर भाई का शादी का वीडियो देख रहे हैं, और यहाँ देखिए शादी का वीडियो। STPI सिंदरी में इंटरव्यू भी दिए, और बड़ी बुआ छोटी बुआ का घर में आज मौज मस्ती भी किए। और अब मेरे बाबा का मोटरसाइकिल लेते हैं, चलते हैं हम माँ और चाची घर, उसको खोलते हैं, गाड़ी को निकाल लेते हैं, उसके बाद शाम का वक्त है, बहुत ही नज़ारा मस्त लग रहा है मेरे बुआ के घर का आसपास का, क्योंकि बहुत दिन बाद मेरे बुआ घर का आसपास का नज़ारा देख रहे शाम में। पहले जब आते थे तो यहाँ बैठते थे रात में, और आने जाने वाले जितने थे इधर उधर देखते थे, बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन आज बहुत दिन बाद शाम का वक्त देख रहे हैं, नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए अब मेरे बाबा का मोटरसाइकिल निकालते हैं और चलते हैं घर। छोटा भैया भी घर से बाइक निकाल लिए। माँ चाची हम तीनों, भैया के गाड़ी में चाची है और मेरे गाड़ी में माँ चढ़ी गई, चलते हैं घर की ओर। घर हम लोग आ गए हैं। सो आई होप आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा। जो जो न्यू है इस चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ न्यू वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो मिलते तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।